हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और देखेंगे दोनों में से कौन सा चार्ट हमें ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के वीकली चार्ट में हमें ऐसा कैंडल दिखाई दे रहा है कि जो हम कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस किया था कि 600 के नीचे हमें एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने उसके बाद हमारा 800 तक का लो लगा दिया। ठीक है, 600 के नीचे ऐसा क्या था, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 600 एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहने वाला है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर दोबारा से 600 ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो ट्रेंड का वो ट्रेंड मानेंगे कि अब बेंड हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमने 17,000 का टारगेट देखा था कि 17,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, बट निफ्टी ने 16,800 तक का लो लगा दिया इसी वीक में। ठीक है, तो काफ़ी बड़े स्पाइक्स देखने को मिले हमें नीचे की साइड, और तब से निफ्टी बिल्कुल एक आप देखोगे कि 3 वीक से निफ्टी बिल्कुल कंटिन्यूशन में गिर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे कि हम ये प्लान करेंगे कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी ना बायर दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, या ना हम मान रहे हैं कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक इसकी डायरेक्शन को जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है तो कैंडल का स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि दोनों बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूज हैं कि हम मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक क्या करेगा कि नेक्स्ट वीक उसके अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनता है, ठीक है, तो फिर हम दोबारा से लगभग मान के चल सकते हैं कि 16,600 का टारगेट देख सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक में एक बेरिश कैंडल बनता है। ठीक है, जो इसको नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है नेक्स्ट वीक में, तो मान के चल सकते हैं कि इस बार हमने ये वाला हाई दोबारा टेस्ट करना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे एक दो ऑल्ट कैंडल बना देती है, ठीक है, उसके बाद अपसाइड मूव करती है, तो फिर हम कुछ बड़े टारगेट प्रोजेक्टेड रखेंगे अपने। जैसे 16,400 में मैंने डिस्कस किया था कि हम दोबारा से ये वाला हाई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अभी आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, वो ट्रेंड लाइन टेस्ट कर सकते हैं, और सेम वो ट्रेंड लाइन के 20 पॉइंट के गैप पे मार्केट ने यू टर्न लिया था। ठीक है, उसके बाद 600 डिसाइड किया था हमने कि 17,600 के नीचे मार्केट जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। 17,000 तक का हमें जो एक टारगेट बना के रखा था, अगर 17,300 को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसके बाद हमारा 17,000 का टारगेट था। अभी 17,000 का टारगेट भी हमारा लगभग हिट हो चुका है। अभी तक हमारे एनालिसिस में जो भी हमने प्रोजेक्ट किया, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, निफ्टी ऑलओवर वैसे ही चल रहा है। एक वीक में शायद ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी हमारी अभी तक का जो एक्यूरेसी हम चल रहे हैं वो बढ़िया चल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप इसी एक्यूरेसी पे होप पे ट्रेड ले लो। ट्रेड आपको टेक्निकली लेना पड़ता है। ट्रेड में आपने कितने देर रहना है, कितना टाइम रहना है, वो आपका स्टॉप लॉस, आपका मनी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए आपने खुद से भी ये चार्ट को डिस्कस करना है। तो हमारा ये रहेगा, अभी हम वीकली चार्ट पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसी कैंडल के बीच में एक कैंडल बनेगा जो बुलिश बने या बेरिश बने, और नेक्स्ट वीक में उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमें पता लगेगा कि निफ्टी का क्या डायरेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो अभी ये टाइम में हमने इस वीक में करना क्या है कि अपने टारगेट बिल्कुल छोटे रख के चलना है। मीन्स 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो आपको एक फास्ट मोमेंटम में दिख जाए कि भाई मिल जाए। ठीक है, तो अभी नीचे वाला रेंज ये रहेगा जो हमारा 800 का रेंज रहेगा, और ऊपर वाला रेंज ये है। ठीक है, ये दोनों रेंज में से किसी एक साइड मार्केट निकलेगा तो हमें क्लियर मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये होगा कि ऐसी कैंडल्स में क्या रहता है कि नीचे मार्केट जाता है, थोड़ा पुश हो जाता है, फिर ऊपर नीचे मार्केट चलता रहता है, वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो निफ्टी का फिलहाल हम इसको अगर वीकली पे देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसको देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में भी वही सेम ही रेंज हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला ये रेंज है हमारा, ठीक है, और नीचे जो रेंज रहने वाला है वो रेंज हमारा 16,800 का रेंज रहने वाला है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा कैंडल बना है, और इसी कैंडल के बीच में मार्केट ये पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ये दिन वेस्ट कर दिया। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि जब आपका फेवर का मार्केट आए तो आप उस मार्केट में ट्रेड ले पाओ। तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। एक्चुअल में बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। ठीक है, अच्छा, ये वन आर कर, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि निफ्टी मुझे फिर भी स्ट्रांग दिख रहा था, निफ्टी का मूव भी हमें उस हिसाब से मिल रहा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहता है तब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आप कोशिश ये करो, अगर आप बिगनर हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपको लग रहा है कि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच हो रहा है, मुझे मैं ट्रेडिंग में एक्यूरेसी रेट मेरा बढ़ रहा है, तो अब आपका ठीक है। अगर आप लॉस कर रहे हो और बिगनर्स लेवल से ही सीधा जंप करके आप ऑप्शन में आ गए हो, तो थोड़ी देर निफ्टी ट्राई करो, क्योंकि निफ्टी अब वो निफ्टी रहा नहीं है जो 40 पॉइंट चलता था। ठीक है, निफ्टी भी वैसा हो गया जो 200-300 पॉइंट का मूव देता है जब बढ़िया मार्केट रहता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक देखने को में लग रहा है। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी भी अगर ये वाले लो के नीचे निकलता है तो हमें 35,000 तक का जो है टारगेट देखने को मिल सकता है, जो हमारा ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 34,000, हाँ 900, 900 या आप मान के चल सकते हैं 35,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहा है, क्योंकि इसके कैंडल में और निफ्टी के कैंडल का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। हो सकता है ये जल्दी गिर जाए, इसकी वजह से निफ्टी भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको कैंडल देखने में दिख रहा है कि एक बेरिश कैंडल है। अगर आप निफ्टी का कैंडल देखोगे तो निफ्टी के कैंडल में आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा लो के बाद निफ्टी अराउंड मान के चल सकते हो आप 400 पॉइंट रिकवर किया है यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद ही देखना पड़ता है, ठीक है। जब आप खुद देखते हो चार्ट के साथ, आपका एक बॉन्डिंग बन जाता है, चार्ट समझ जाता है कि भाई ये बंदा मुझसे कुछ चाहता है, ठीक है। फिर आपका डिस्कस होता है चार्ट के साथ। तो अभी इसका अगर देखेंगे, ये लो दोबारा से निकलता है अगर, तो हमें 35,000 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। अच्छा, 1,000 पॉइंट का मूव बन रहा है, ठीक है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा अगर ये पूरे वीक का मूव रह सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 35,000 मैंने बोल दिया, तो उसके पीछे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसे नीचे के जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं, थर्टी 35,500 तक का मीन्स मान के चल सकते हैं आपको एक इजी टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो उनके लिए टारगेट जो रहेंगे वो मेजर ही रहेंगे, बट ऑप्शन सेलर का और बायर का थोड़ा सा अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी डॉलर का भी अभी ब्रेकआउट हो गया है मेरे हिसाब से, ये डॉलर का वीकली चार्ट है, तो इसमें आप देखोगे कि तो ये भी लगभग ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी में हमें थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे वाली साइड, ठीक है, क्योंकि डॉलर जब बढ़ता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।